हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैकटेक जीपी। आज के इस नए वीडियो में हम आयरन मेकिंग जो प्रोसेस है उसके बारे में समझेंगे, जिसमें कि ब्लास्ट फर्नेस का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हर साल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, और जो इंटरव्यू में भी यदि आप बैठते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लास्ट तक के जरूर देखिए, आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हम करा देंगे। और अभी तक के अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्रिप्शन बटन दी गई है, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा न्यू अपडेट पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड से हम ब्लास्ट फर्नेस की पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरीके से आयरन ओर से हम स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टार्टिंग जो होता है वो सिंटर प्लांट से होता है, और साथ ही साथ जो कोकोवन प्लांट होगा वहाँ से। तो सिंटर प्लांट में जो है आयरन ओर को प्रिपेयर किया जाता है, उसको छोटे छोटे साइजेस में तोड़ा जाता है, क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया होगा छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के कारण बढ़ जाता है, जिससे हीट जो है इसको ज़्यादा मिलेगी और ये जल्दी जो है वो मेल्ट हो पाएगा। और साथ ही में जो कोक है वो हम कोकोवन फर्नेस से मिलता है, क्योंकि कोकोवन जो भट्टी जो होती है जिसमें जो कोयला हम माइंस से लाते हैं उसको पकाया जाता है 24 घंटे तक के, जिसके पकने के बाद में हमको लड्डू के आकार के जो कोक जो है वो हमको मिलते हैं, और उसमें बहुत सारी गैसेस जो है वो भी रिलीज होती है, साथ ही में कोल टार भी मिलता है, और बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो उससे बाहर निकलते हैं जो कि वोलेटाइल मैटर होते हैं, जो हम बाद में उसका और भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों को हमको मिक्स करके ब्लास्ट फर्नेस में जो है वो अब डालना होता है। और ब्लास्ट फर्नेस में डालने के लिए सब ये जो स्टॉक हाउस है उसका यूज़ किया जाता है। स्टॉक हाउस एक्चुअल में एक मैकेनिज्म है जिसमें नीचे जो ग्राउंड लेवल होगा वहाँ पे इसको मिक्स करके डाला जाता है, और वहाँ पे डालने के बाद में ये कन्वेयर बेल्ट की मदद से सीधे ये ब्लास्ट फर्नेस के टॉप में पहुँच जाता है। उसके बाद में यहाँ टॉप में पहुँचने के बाद यहाँ पे एक लेयर जो है आयरन का होगा जो सिंटर है उसका, और फिर उसके बाद दूसरी लेयर जो है वो कोक की चढ़ाई जाती है। तो इस तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में हम अच्छे से समझेंगे इसको। और जैसा हम अभी बता रहे थे कि जो कोक और आयरन ओर है उसको लेयर्स के फॉर्म में अरेंज किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। तो जैसे यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि एक लेयर जो है पहले वो कोक का है, उसके बाद में फिर आयरन ओर है, फिर कोक का होगा, फिर आयरन ओर, इस तरीके से ये एक लेयर्स के फॉर्म में नीचे की ओर इसको रखा जाता है, ताकि जो फायर कैच करेगा वो जनरली कोक करता है, कोक जो है वो जल्दी फायर हो जाएगा क्योंकि इसका जो फायर पॉइंट होगा वो कम होगा आयरन ओर से। तो कोक जो है वो जल्दी फायर होकर के आयरन ओर को मेल्ट करने की कोशिश करेगा। और जो हम अभी बता रहे थे कि जो हॉट एयर है और ऑक्सीजन, ये दोनों को जो है वो नीचे की ओर से ऊपर की ओर पुश किया जाता है, ताकि जो ऊपर से आता हुआ जो आयरन ओर है और कोक है वो मेल्ट हो सके। और भी यहाँ पे डिफरेंट तरीके के लेयर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि ये येलो कलर का, तो ये जो है वो सॉफ्टनिंग एंड मेल्टिंग एरिया होता है, जहाँ पे कि मेल्टिंग स्टार्ट होती है। डायरेक्टली ऊपर से ही मेल्ट होना स्टार्ट नहीं हो जाता, ये धीरे धीरे जो है इसको नीचे लाया जाता है। यहाँ पे एक मैकेनिज्म फीड होता है जिससे कि लेयर बाई लेयर कोक और आयरन जो है वो नीचे की ओर आते जाए, और यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर जोन पे जो है वो मेल्टिंग स्टार्ट होगी। ये मेल्टिंग जोन जो है वो इस तरीके से सेंटर पार्ट में बहुत ज़्यादा होती है ऊपर की ओर, और जो साइड वाले पार्ट्स हैं वहाँ पे नीचे की ओर होती है। वैसे ही नीचे आते जाएंगे तो फिर ये ड्रिपिंग जोन होगा, जहाँ पे कि स्लैग का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और जो मेटल है आयरन ओर के फॉर्म में वो पूर्ण रूप से मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहीं पर इसके नीचे पर भी जो है वो हॉट एयर और ऑक्सीजन जो है वो ब्लो कराया जाता है, ताकि ये फास्ट रैपिड ऑर्डर में जल्दी जल्दी मेल्ट हो सके। और सबसे नीचे वाला जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ऊपर जो है रेड कलर से स्लैग नज़र आ रहा होगा, और जो येलो कलर है वो पीक आयरन का है। पीक आयरन जो है वो मोल्टेन फॉर्म ऑफ आयरन होगा, जो कि आयरन ओर के मेल्ट होने के बाद में हमको मिलता है, जो पीक आयरन है। पीक आयरन के ऊपर जो है वो डेंसिटी कम होने के कारण स्लैग जो है वो तैरते रहता है,
जिसको कि हम आगे चल के उसको बाहर कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं पिग आयरन से, क्योंकि स्लैग जो है वो इम्प्योरिटीज़ होती है जो कि आयरन ओर में मौजूद होती है, और कोक जो कि हमको कोक वन से मिलता है उसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि स्लैग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, और स्लैग को हम उससे सेग्रीगेट कर लेते हैं ब्लास्ट फर्नेस के बाहर निकलने के बाद। और उसके बाद में जो पिग आयरन है वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ जो स्टील होगा, स्टील बनने के पहले जो हमको मोल्टेन फॉर्म ऑफ आयरन जो मिलता है वो है पिग आयरन, जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ अभी भी मौजूद होती है, जिसको कि आगे हम स्टील मेल्टिंग शॉप जो SMS प्लांट होते हैं वहाँ पे इसको प्योर करते हैं। उसमें हमको ऑक्सीजन ब्लो करा करके कार्बन परसेंटेज जो है वो कम करना होता है, जो कि रेडॉक्सी जो आपने पढ़ी होगी जो रिएक्शन होती है रेडॉक्सी वो इसमें अप्लाई की जाती है। तो इस तरीके से पिग आयरन में से इम्प्योरिटीज़ अलग करते हैं, और उसमें बहुत सारी जो एलॉइंग एलिमेंट्स है जैसे एल्यूमिनियम हो गया, लाइमस्टोन और जो डोलामाइट और बहुत सारे जो इस तरीके के एलिमेंट्स हैं उसमें मिक्सअप किए जाते हैं ताकि स्टील की प्रॉपर्टीज़ जो है वो इम्प्रूव हो सके। जिस ग्रेड का हमको स्टील चाहिए उसी रेशियो में जो एलॉइंग एलिमेंट्स हैं वो स्टील मेल्टिंग शॉप में जो मोल्टेन आयरन है उसमें मिक्सअप किए जाते हैं ताकि साथ ही में सभी मिक्स हो जाए और हमको जो जिस ग्रेड का स्टील चाहिए वो हमको वहाँ से मिल सके। और यहाँ पे आप एक मैकेनिज़म देखेंगे कि जो टू एयर नोजल होते हैं जिसको कि टू एयर फिनोमिना भी बोला जाता है, जिससे कि जो हॉट एयर है उसको हाई प्रेशर में ब्लास्ट फर्नेस के अंदर फोर्सफुली फिट किया जाता है, जिससे कि जो ऊपर से हमने जो कोक और आयरन ओर ऊपर से डाला है वो ऊपर ही में अटका रह सके, क्योंकि जो एयर का जो प्रेशर होगा वो उसको ऊपर की ओर ढकेल के रखेगा और जिससे वो नीचे की ओर ना गिरे। और ये एक ऐसे होता है कि पूरे जो जैकेट होगा ब्लास्ट फर्नेस का, जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टू एयर्स एयर नोजल्स जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, जो कि एयर के लिए जो मेन पाइप लाइन जो होती है वो ये होती है जो हॉट एयर की होगी, और एयर जो है यहाँ से पूरे आसपास जो ब्लास्ट फर्नेस होगा उसके अंदर फीड करने के लिए टू एयर नोजल्स जो है वो लगे होते हैं, जो कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एयर को इसके अंदर पुश करते हैं, जो कि जो रॉ मटेरियल्स जो होंगे उसको ऊपर की ओर ढकेल के रखेंगे और ऊपर ही में उसको मेल्ट करके जो मोल्टेन मेटल के फॉर्म में नीचे की ओर गिराएंगे। तो इस तरीके का ये टू एयर मैकेनिज्म होता है जो कि आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में भी, और जो आने वाली जो एग्जामिनेशन है टेक्निकल की उसमें भी इस तरीके का फिनोमिना जो है जनरली पूछ लिया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में और जो एक सिस्टम लगाई जाती है हीट रिकवरी करने के लिए, क्योंकि हमको जो फ्रेश एयर है वो हमको हीटअप कंडीशन में हमको भेजनी होती है, क्योंकि जो एनवायरमेंटल से जो फ्रेश एयर होगी वो नॉर्मल टेम्परेचर पर होगी, तो उसको हमको हीटअप करना होगा। हीट करने के लिए हम इसी जो ब्लास्ट फर्नेस की जो एग्जॉस्ट गैसेस होंगी जो कि पॉल्यूटेड गैसेस होती हैं जिसमें CO, CO2 और भी जो बहुत सारे केमिकल्स हैं वो मिक्सअप होते हैं उसको ही यूज़ किया जाता है अगेन जो फ्रेश एयर है उसको हीट करने के लिए। तो हीट करने से पहले इसको थोड़ी सी क्लीनिंग की जाती है थ्रू गैस क्लीनर और जो स्क्रबर है, ये दो तरीके के डिवाइसेस होते हैं जिससे गैस को क्लीन किया जाता है, उसमें पार्टिकुलेट मैटर्स को जो है वो हटाया जाता है जिससे गैस जो है वो फ्लो होने में आसानी हो, और इसको फिर यहाँ पे भेजा जाएगा ये हॉट ब्लास्ट जो स्टोव है उस पर। और यहाँ पे दो अलग अलग लाइन्स होती हैं जो कि एक फ्रेश एयर की लाइन होगी और एक जो कंबसन गैस की लाइन होगी जो कि यूज़ हो चुकी है। तो इसमें एक हीट एक्सचेंजर की तरह वर्क करेगा, जो हॉट ब्लास्ट स्टोव जो है वो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगा, फ्रेश एयर में हीट जाएगी जो कंबसन वाली जो गैस है उसकी, और फिर हीट हो जाने के बाद में इसको जो एयर है फ्रेश एयर उसको ब्लास्ट फर्नेस के अंदर भेज दिया जाता है जो कोक है उसको बर्न करने के लिए। जैसे ही कोक में फायर कैच करेगा वैसे ही सिंटर जो है वो भी कोक के साथ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रेश एयर का जो टेम्परेचर हमने 800 से ज़्यादा जो है वो बढ़ा दिया रहता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जो है वो फ्रेश एयर का टेम्परेचर हो जाता है, तभी जो है कोक और सिंटर में फायर जो है वो कैच होगा और दोनों जो है वो मेल्ट होंगे। और एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ब्लास्ट फर्नेस होगा उसके पूरे आउटर पार्ट पे जो पाइपलाइंस जुड़ी होती हैं जो कि थिन पाइपलाइंस होगी, वो यदि आप पूरे ऊपर की सील्ड खोलेंगे तो इस तरीके का आपको नज़र आएगा। ये जो है वो कोल्ड वाटर पाइपलाइंस होती है
जो कि जब हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये वाटर पाइपलाइंस लगाई जाती हैं कि हीट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ ना जाए, एक कंट्रोल हीट जो है यहाँ पे फॉर्म हो, ताकि ओनली जो रॉ मटेरियल्स हैं आयरन ओर और जो कोक होगा वो बस मेल्ट हो, पूरा ब्लास्ट फर्नेस जो है वो मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि ये इसके अंदर जो प्रोसेस होगी वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होती है, और इसको कंट्रोल यदि ना किया जाए तो ये पूरे ब्लास्ट फर्नेस को ही मेल्ट कर सकती है। तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें वाटर जैकेट्स होते हैं, जो कि इस तरीके के वाटर पाइपलाइंस जो है इसमें लगी होती है। ये आपको ओपन दिख रहा है, इसके ऊपर कवरिंग की जाती है, यहाँ पे पूरा जो है वो वाटर जो है वो फिल किया जाता है पूरे आसपास। और इसके अंदर और एक जो फायर को बचाने के लिए यूज़ की जाती है वो है फायर ब्रिक्स, जो कि इसके अंदर जो है वो पूरी लगी होती है आउटर पोर्शन पे, जो पेरीफेरी होगी इनर पेरिफेरी ऑफ ये जो ब्लास्ट फर्नेस है उस पे जो फायर ब्रिक्स हैं वो पूरी कवर की जाती है, ताकि जो टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर जो होगा वो जो स्टील बॉडी है उस पे ना आए, जो आउटर पोर्शन जो होगा ये ब्लास्ट फर्नेस का उस पे हीट जो है वो आने से बचाता है जो फायर ब्रिक्स होती है। और जो कुछ अमाउंट में हीट आ भी जाता है तो उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं जो वाटर पाइपलाइंस के थ्रू, जो वाटर इस पे कोल्ड वाटर जो है वो फिल करके। तो ये ब्लास्ट फर्नेस के बारे में आपने इस वीडियो में अच्छे से समझ लिया। और भी कोई भी डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर दूसरे टॉपिक्स पे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछिएगा। और भी किसी टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, ताकि आगे हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना करके शेयर करें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आपके फ्रेंड्स का भी नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो सके, और आगे के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे अच्छे से बन सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।